देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। रोजाना न जाने कितने लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। कुछ लोग इन हादसों में घायल होते हैं तो कई लोग इन हादसों में अपनी या अपनों की जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में एक खबर हल्द्वानी से भी सामने आ रही है, जहां एक स्कूटी सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं हादसे की खबर पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, देवलचौर के धनपुरी में रहने वाले 45 वर्षीय नवीन चंद्र धर्मवाल एक निजी कंपनी में काम करता था। वहीं रोज की तरह नवीन रविवार को भी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही वो देवलचौर चौराहे से कुछ आगे पहुंचा कि तभी सामने से अनियंत्रित गति से आ रहे डंपर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि नवीन काफी दूर छिटक कर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल नवीन को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें, नवीन की इलाज के दौरान रात में ही मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।